आप लोग करो और लोगों को कराओ। देखो आपकी ड्यूटी ये बनती है, जैसे घर में चार लड़के रहते हैं, अब एक लड़का कोई भटक जाता है तो उसको सब लोग मिलकर के सुधारते हैं, उसकी मदद करते हैं। उसी तरह से जो सत्संगी हैं, नामदानी काफी हैं, गुरु महाराज का इधर दौरा खूब हुआ, कई बार गुरु महाराज इस क्षेत्र में, आपके नरवाना क्षेत्र में और इधर जींद में कई बार गुरु महाराज का कार्यक्रम हुआ, गुरु महाराज ने नामदान दिया है। लेकिन अब उनको चेताने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। जैसे आप समझो कीचड़ में हीरा पड़ा हुआ हो और वो ढका हो, आप देखो राख में रहती है और वो आग राख जब हटाते हो तो आग निकलती है, ऐसे ही इनको चेताने की जरूरत है कि है हीरा अंतर बसे, ताही नीचे छाओ तुम्हारे अंदर हीरा है और तुम हीरा की खोज में इधर उधर भाग रहे हो। भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है और तुम इधर उधर भगवान को पेड़ में, पौधे में, पत्थर में खोजते हो। अरे भाई, भगवान को जिसने देखा नहीं और भगवान की मूर्ति उस तरह से बना दिया और उसी को पूछ करके और तुम यानी जो है समझ रहे हो कि हम पार हो जाएंगे, ऐसे कैसे पार हो सकते हो? पार होने का तो रास्ता इसमें है, मनुष्य मंदिर में है, नदियों में नहा करके लोग गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में नहा करके और लोग सोचते हैं हम पार हो जाएंगे, ऐसे कैसे पार हो सकते हो? आप समझो देखो मगरमच्छ, कछुआ, मछली तो सब उसी में जन्म लेते हैं और उसी में पूरी जिंदगी रहते हैं, लेकिन किसी के पार होने की कोई खबर लिखा पढ़ी वर्णन में आई कुछ नहीं। बल्कि संतों ने जब देखा तो कहा नदियों में ये नहाते रहे और फिर जो है मछली की योनी मिली। तो आप इस बात को समझो कि यही घट भीतर सात समुंदर, यही मलमल नहाओ, मनमोरा की दिशा न जाओ, घर ही है चाकरी। समझाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, ध्यान भजन कराने की जरूरत है। अभ्यास जब लोग करने लगेंगे, फायदा जब दिखेगा तब विश्वास होगा, क्योंकि देखे बिन न हुए प्रतीति और बिन प्रतीत हुए नहीं देती, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। लेकिन प्रत्यक्षम के प्रमाणों जब कोई चीज़ सामने आ जाती है तब विश्वास हो जाता है। तो आप सब लोग भजन तो करो, आप गांव के लोग जो दो चार गांव के यहाँ पर आए हो वो अपने अपने गांव में एक जगह कोई निश्चित कर लो और शाम के समय वहाँ बैठो, बैठकी बनाओ। स्कूल में लड़का जाते 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 बहुत कुछ सीख जाता है, न भी पढ़ पाया तो गिनती, प्रार्थना, पाठ ये सब तो सीखते ही है। और उसके पीछे जब उसके माँ बाप लग जाते हैं, परिवार के लोग लग जाते हैं, तो वही लड़का फिर पढ़ने लग जाता है। तो ऐसे ही आने जाने लगेंगे, उसके बाद जब लग जाओगे और भजन वो करने लग जाएंगे, जब उनको समझाने लग जाओगे कि भाई सुमिरन इस तरह से करो, ध्यान इस तरह से करो और भजन इस तरह से करो और ऐसे इस तरह से परहेज रखो, इधर उधर खाओ पियो नहीं, मांसाहारी के यहाँ शराबी के यहाँ खाओ पियो नहीं, उनके बर्तन में पानी मत पियो और उनसे संबंध थोड़ा सा कम रखो, जब इस तरह से सारी बातों को समझाओगे, संगत की रीति नीति के मुताबिक लोगों को चलाओगे तो लोग अपने आप चलने लग जाएंगे। और अंतर में जब सुख मिलेगा, अंतर में देवी देवताओं का दर्शन होगा, उस मालिक का दर्शन होगा, तो फिर प्रसन्न हो जाएंगे, खुशहाली आ जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे और आपका मेहनत यानी सार्थक होगा और उसका आपको भी लाभ मिलेगा। जैसे कोई भूखा है, उसको आपने रोटी खिलाया तो कितना आशीर्वाद देता है, विधान से, पुत्र से, परिवार से, फलों फूलों तरह तरह से आशीर्वाद देता है। ऐसे ही शरीर को चलाने वाली शक्ति जो जीवात्मा है, इसको बहुत दिन हो गया भोजन मिला ही नहीं, इसका क्या भोजन है? शब्द का आहार। तो शब्द का आहार इसको मिला ही नहीं, इसलिए ये यानी दुखी है, ये सूरत महादुखी हम जानी, ये महादुखी हो गई। अब इसको जब भोजन मिल जाएगा तो आप इस बात को समझो कि भोजन जब इसको मिल जाएगा तो ये खुश हो जाएगी और ये फिर आशीर्वाद आपको देगी। जो लोगों को यानी समझा करके भजन कराओगे उनको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये देखो धन पुत्र परिवार ये बढ़ोतरी होती है, कर्तव्य है पुत्र पिता के धर्मा और खेती वाड़ है अपने कर्मा, ये कहावत है गांव में। तो आज इस बात को समझो कि लोग मेहनत करते हैं और कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन
कम मेहनत में ज्यादा कामयाबी मिल जाती है तो कहते हैं ये भगवान की दया हो गई, कृपा हो गई। खेती में बहुत पानी लगाते हैं और बीज बढ़िया डालते हैं और दवा भी लगाते हैं और देखने में भी फसल बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन अनाज कम होता है, अनाज कम होता है और देखो डंठल उसका कम और देखने में कमजोर, लेकिन दाने मजबूत और वजन में ज़्यादा निकलते हैं। ऐसे ही यानी मेहनत नियत के ऊपर यह सब निर्भर करता है। तो आप इस बात को समझो कि नियत अगर सही है तो बरकत होगी। वजनानंदी को यानी दिक्कत नहीं होती रोटी पानी की, जो वजन करता है और मालिक पर विश्वास करता है और मालिक के सेवा में गुरु के सेवा में लगा रहता है, उसको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती और थोड़े में ही उसका काम हो जाता है। देखो प्रचार करने वाले जो प्रचारक हैं उनके यहाँ कोई लड़की लड़का का शादी हुआ, कोई काम हुआ, सब लोग जितने सत्संगी हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं, सबको सहानुभूति रहती है, भाई इसकी लड़की की शादी है, दिन रात जो है संगत के काम में लगा रहता है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो एक सहानुभूति जुड़ जाती है। और वो काम जो अन्य उसको करना होता है वो गुरु करता है, वो मालिक उसका लोगों के अंदर प्रेरणा दे करके और करवा दिया करता है। इसलिए आप सब लोगों को लगने की ज़रूरत है, लोगों को लगाने की ज़रूरत है। गांव-गांव में जहां भी सत्संगी हैं वहां पर आप लोग एक घंटे का ध्यान भजन का अन्य कार्यक्रम चालू करवा दो। सप्ताह में एक दिन यानी साप्ताहिक सत्संग होने लग जाए। गांव के लोग तो आवें ही, लेकिन बगल के गांव के लोग दूसरे गांव में चले जाएं। जब लोगों को यह रहता है कि भाई दूसरे गांव के सत्संगी हमारे यहाँ आएंगे यानी साप्ताहिक सत्संग में, तो गांव के लोग भी आ जाते हैं और कुछ उनको सुनाया समझाया। नए लोग भी जब आ जाते हैं उसमें और सुनते हैं समझते हैं, नामदान लेकर के भजन करने लगते हैं, अंतर में उनको भी सुख लाभ मिलने लग जाता है। और बराबर आप लोग यानी प्रचार प्रसार शाकाहारी का करते रहो, बराबर करते रहो, क्योंकि जब सुनते रहते हैं लोग तो कब किसके समझ में कौन सी बात आ जाए। देखो सत्संग दो ढाई तीन घंटे का होता है, लेकिन हर बात हर आदमी के समझ में नहीं आती है। कोई बात किसी के समझ में आएगी, कोई किसी की आएगी, कोई किसी की आएगी। जो जैसा यानी होता है यानी जो जैसा पात्र होता है उस हिसाब से उसको मिलता है। जैसे आप देखो ये बिजली का करंट है, ये सबसे ज्यादा यानी चांदी के तार में असर करता है और जैसे छुआओ एकदम से पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा सुचालक चांदी बताया गया, उसके बाद तांबा बताया गया, उसके बाद लोहा बताया गया, उसके बाद और चीजें पीतल बताया गया, लोहा बताया गया। इस तरह से इसमें ज्यादा हो उसी तरह से ऐसे काम होता है। तो मोटी बात आप इस चीज को समझो, तो आप समझो कि आपका सत्संग तो होगा कितने बजे, 11 बजे। हाँ 11 बजे का प्रचार है, 11 बजे होगा। तो 10:30 बजे तैयार होकर आप सब लोग यहाँ बैठ जाना। ये तो थोड़ी देर का नियम चल रहा है, ध्यान भजन का नियम ये थोड़ी देर का चल रहा है यानी सुबह का है, सब जगह हो रहा है। अब जैसे समय परिस्थिति रहेगी चलता रहेगा, कोई बाधा दिक्कत आएगी तो उसके बाद तो अलग है, लेकिन बराबर जब गुरु महाराज मौजूद थे तो उस समय भी होता था और काफिला निकलता था उस समय भी होता था, तो उसके अंतर्गत आप लोग इकट्ठा हुए बहुत ही अच्छा रहा। और इकट्ठा सामूहिक रूप से करने का लाभ मिलता है, यानी कोई जैसे तेज लड़का है और उसके बगल बैठ करके कमजोर लड़का पढ़ाई करता है वो भी तेज हो जाता है। ऐसे ही अच्छा साधक कोई है साधना करता है तो उसका असर आता है, उसके पास बैठ करके करने से उसका लाभ मिलता है। देखो एक ही जगह पर अगर ध्यान भजन करो साधना करो तो उसका भी लाभ मिलता है, धरती जम जाती है। वो जो उतरी ऊपर से करुण ताकत दया जो उतरी और शरीर से होकर जमीन में अर्थ हुई तो वो जमीन भी जग जाती है। ऐसे ही जहाँ महात्मा निवास करते थे, जहाँ पर सत्संग ध्यान भजन करते थे, वो जगह का असर हो जाता था। महात्माओं के जाने के बाद देखो वहाँ पर लोग जाते हैं और लोगों को दुख तकलीफ में भी लाभ मिलता है, लेकिन यह है कि वो जगह अपवित्र नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ उस जगह पर असर तो रहता है,
लेकिन वहाँ लोग रह करके और फिर उस जगह को खराब कर देते हैं। उस जगह पर जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ ध्यान भजन होता हो, अब वहाँ मान लो कोई मुर्गा काटने लगा, बकरा काटने लगा, शराब पीने लगा, व्यभिचार होने लगा, तो हम वही जगह पे गंदी हो जाती। जैसे मुर्दा जहाँ जलाया जाता है लोग कहते शमशान हो गया, शमशान हो गया लोगों ने कहा, उसी तरह से यानी वो जगह अगर अपवित्र न हो तो उसका लाभ लोगों को मिलता है। तो ध्यान भजन साधन का बड़ा लाभ, आप लोग लगे रहो। और गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है कि शाकाहारी का प्रचार जोर शोर से होना चाहिए, शाकाहारी का प्रचार अपने आप लोग करते रहो, स्वयं भी करने का मौका मिलता है। जैसे आदमी के पास टाइम रहते ही है, कुछ ना कुछ टाइम रहता है, कहीं काम पर गया तो रास्ते में मिल जाते लोग, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, ऐसे दुकान में, दफ्तर में आदमी नए मिलते ही बताते रहना चाहिए शाकाहारी का। बिल्ला ही लगा लो, टोपी लगा लो, लोग अपने आप छेड़ते हैं, जाकेट पहनने वाले को अपने आप छेड़ते हैं, उनको बताया समझाया उनको बदल जाते हैं लोग। अंगुलमाल और बाल्मीक जैसे डाकू देखो महात्मा के संपर्क में आकर के और बदल गए तो बदल जाते हैं। इस तरह से अनि लगने की जरूरत है। ये समय निकला जा रहा है, ये दिन रात जो आ रहे हैं ये उम्र को काट के खत्म कर दे रहे, तो जो समय बचा है उसमें यह परमार्थी काम हो जाए। गुरु महाराज ने कहा यह काम अगर तुम कर ले गए शाकाहारी का तो इससे तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तो यह पंजी मार्ग है, लोक और परलोक बनाने का यह पंजी मार्ग है। पंजी मार्ग जानते हो, पगडंडी रास्ता जो होता है, एक तो रास्ता सड़क से होता है, सड़क से लोग जाते हैं, और एक ऐसे सीधे खेतों में से होकर के पहुंच जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ना है तो घूम करके रोड से जाते हैं, और कुछ एक ऐसा रास्ता बना लेते हैं कि धीरे से ऐसे चढ़ गए और फिर उसी रास्ते से ऊपर से उतर करके नीचे आ गए, तो उसको पंजी मार्ग कहते हैं, उसको पगडंडी कहते हैं। तो ये पगडंडी है पार होने का, सुख शांति प्राप्त करने का जो आदेश गुरु महाराज ने दिया उसको पकड़ लेने का, वो पगडंडी है, पगडंडी मार्ग है, वो पंजी मार्ग है। तो इसको पकड़ने की जरूरत है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय